गाइस, डार्क सर्कल को हटाने के लिए आपको ले लेना है हाफ टेबल स्पून रॉ मिल्क एंड हाफ टेबल स्पून ले लेना है आपको नींबू यानी कि लेमन। ये आपको सारी चीज़ें बराबर बराबर मात्रा में लेना है एंड ये हाफ टेबल स्पून ले लेना है आपको हनी सेम मात्रा में जितना आपने लिया है रॉ मिल्क और लेमन जूस एंड आपको ये हनी इसमें ऐड करना है और इन तीनों चीज़ों को बढ़िया से वेल मिक्स कर लेना है। और ये देखिए तीनों चीज़ों को बढ़िया से मैंने मिक्स कर लिया है और इस मिश्रण को जिस जगह पे आपके डार्क सर्कल है उस डार्क सर्कल के जगह पे आपको ये अप्लाई करना है, देन ठंडे पानी से वॉश कर देना है 20 से 25 मिनट के बाद। आपको दोनों टाइम करना है, सुबह और शाम, बहुत फ़ायदा मिले। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं महक और आप सभी का महक एंडी ब्लॉग में स्वागत करती हूं। सो गाइस, आज मैं फिर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूं। सो आप लोग मेरे साथ मेरे वीडियो पे जरूर से बने रहिएगा और मैं आज जो इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ बहुत ही कमाल की है। बहुत सारे लोगों का पूछना भी है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी हैं, बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं। हालाँकि इस चीज़ से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ पहले, बट आज मैं जो बताने वाली हूँ वो बहुत ही कुछ नया है और बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही इफेक्टिव है। सो आप लोग मेरे साथ मेरे वीडियो जरूर से बनी रहिएगा और अगर आप भी मेरी तरह हैप्पी रहना चाहते हैं, मेरे YouTube फैमिली की तरह हैप्पी रहना चाहते हैं, सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस एंड अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। उन लोगों को शेयर कीजिएगा जिसको उस चीज़ की नीड है तो वो वीडियो को देखेंगे और जिसको नीड भी नहीं है हो सकता है उसको भी अगर आप शेयर कर देंगे तो उसके आसपास जो जिन लोगों को भी ऐसी परेशानी होगी तो उन तक ये वीडियो पहुँच जाएगा। सो गाइस, आज मैं जिसके बारे में बताने वाली हूँ वो है डार्क सर्कल के बारे में। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डार्क सर्कल जो है बहुत ही खतरनाक दिखता है, कभी भी जब भी वो जाते हैं कहीं पे तो उनको अंदर से बहुत नर्वसनेस फील होती है और उनको ऐसा लगता है कि मतलब उनके फेस पर ये डार्क सर्कल जो है बहुत ही खतरनाक दिखता है। हालाँकि मुझे तो नहीं है डार्क सर्कल, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें करती रहती हूँ कि मैं खूबसूरत रहूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं ये जो खूबसूरती है मेरी तो जो मेरी YouTube फैमिली है उन सारे लोगों को भी मैं खूबसूरत बना दूं अपनी तरह। तो अगर आप लोग भी हेल्दी रहना चाहते हैं, आप लोग भी अपनी डाइट मेंटेन रखना चाहते हैं और अगर आप भी मेरी तरह खूबसूरत रहना चाहते हैं ऑलवेज, तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा और मेरे YouTube फैमिली का हिस्सा भी बने रहिएगा। ऑलवेज़ आप लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं, मेरी YouTube जितनी भी फैमिली है बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सपोर्टिव है और बहुत ही मतलब मेरे को प्यार करती है, तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी का गाइस। सो चलिए टॉपिक पे बात करते हैं, नहीं तो आप पूरी बात सुनेंगे नहीं और वीडियो आधे पे छोड़ के चले जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि आप लोग ऐसा करें, नहीं तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी। हालाँकि आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा वीडियो में कि मैंने इस ये जो पैक बनाया हुआ है अंडर आई के लिए, सॉरी अंडर डार्क सर्कल जो हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है ना, बहुत ही गंदा दिखता है। सो ये मैंने डार्क सर्कल के लिए बनाया है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने देख लिया होगा कि इसमें क्या क्या ऐड किया है, इसके बाद भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है गाइस। इसमें मैंने ऐड किया है लेमन जूस, रॉ मिल्क एंड हनी, तीनों चीज़ों को मिक्स किया है, बराबर बराबर मात्रा में लिया है मैंने तीनों चीज़ों को और ये जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है गाइस अंडर आई के लिए, सॉरी डार्क सर्कल के लिए। बार बार मेरे को अंडर आई, क्योंकि आज मैं एक वीडियो बना रही थी अंडर आई का, तो वही मेरे उसमें आ गया गाइस। ये डार्क सर्कल के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप ही अपने डार्क सर्कल को हटाना चाहते हैं तो आप अपने डार्क सर्कल को हटा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस घोल को अपने जिस जगह पे आपके ये डार्क सर्कल है ये देखिए, इस जगह पे आपको ऐसे अप्लाई करना है और 5 मिनट के लिए आपको ऐसे मसाज करना है दोनों साइड, ये देखिए ऐसे अप्लाई करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ भी जैसे काला काला रहता है बहुत सारे लोगों को, तो यहाँ भी आपको अप्लाई कर लेना है। सो आपको इस एरिया में जहाँ भी आपके पूरा ब्लैक ब्लैक है आप अप्लाई कर सकते हैं गाइस। ये मैं करके आपको इसके लिए बता रही हूँ कि मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ है, हाँ
लिपस्टिक जरूर लगाई हुई है मैंने और थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ किया हुआ है अपने फेस को, बाकी और कुछ एक्स्ट्रा मेकअप करके मैं कभी आप लोगों के सामने नहीं आती हूँ, क्योंकि ये मेरी नेचुरल ब्यूटी है। मैं बहुत बार आप लोगों से ये चीज़ का डिस्कस भी कर चुकी हूँ। सो गाइस, ये डार्क सर्कल अगर आपको हटाने हैं तो क्या करना है, इस पैक को आपको 2 टाइम लगाना है, नाइट एंड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग लगा के आधे घंटे तक आपको छोड़ देना है, आधे घंटे या 1 घंटे जितना लगा पाओ, आधे घंटे या 1 घंटे लगा के छोड़ देना। उसके बाद ठंडे ठंडे पानी से फेस को वॉश कर लीजिए और नाइट में आपको क्या करना है, इसको लगा के छोड़ देना है और फिर आप मॉर्निंग में इसको इससे मतलब नाइट में इसको लगा के छोड़ दिया, मॉर्निंग में आप वॉश कर लो। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता है, तो आप एक काम और कर सकते हैं, सोने से आधे 1 घंटे पहले आप अपने डार्क सर्कल की जगह पे इसको अप्लाई कर लीजिए और फिर आप इसको ठंडे ठंडे पानी से वॉश कर दीजिए अपने फेस को। ओके, सो आपका फेस बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ग्लोइंग हो जाएगा और आप चाहे तो पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर नींबू से, क्योंकि बहुत सारे लोगों की स्किन जो होती है सेंसिटिव होती है, तो बहुत सारे लोगों को लेमन जूस फ़ायदा नहीं करता है, बहुत सारे लोगों को उससे प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं मेरे पास, राइट। सो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मेरे से बोलते हैं कि मैम नींबू हमें सूट नहीं करता है। तो कोई बात नहीं है, जिसको नींबू सूट नहीं करता है तो रॉ मिल्क सबको सूट करता है, वो किसी को भी नुकसान नहीं करता है। तो आपको ले लेना है रॉ मिल्क एंड आपको ले लेना है हनी, बट ये दोनों ही मॉइस्चराइज़र का काम करते हैं। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो जिसकी स्किन ऑयली है उसको लेमन जूस फ़ायदा करेगा ही करेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको लेमन जूस ज़रूर से ऐड करना है इसमें और फिर आपकी डार्क सर्कल की जगह पर आपको अप्लाई करना है और आधे घंटे के बाद वॉश कर देना है। देन उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़ ज़रूर करना है अपनी स्किन को, कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आप यूज करते हो वो मॉइस्चराइज़र यूज कर लीजिए एंड अपनी स्किन को अच्छा बनाइए, ग्लोइंग बनाइए। अब बहुत सारे लोगों का ये मानना हुआ कि क्या हम इसको डार्क सर्कल की जगह पर ही लगा सकते हैं, नहीं, आप अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, इससे आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। डार्क सर्कल मतलब कालापन दूर हो रहा है इससे। तो अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं तो आप पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सो डार्क सर्कल जिसके 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 भी हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा 1 डे में 2 टाइम, मतलब मॉर्निंग एंड नाइट। और इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसको पूरी रात लगा के नहीं रख सकते हैं, तो जो आलमंड ऑयल होता है वो एंड एलोवेरा जेल, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके भी आप लगा सकते हैं और रात में सो सकते हैं, उसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। ये लगाएं आप, अगर आप पूरी रात ये लगा के नहीं रख सकते हैं जो अभी मैंने पैक बताया, अगर आप ये लगा के नहीं रख सकते हैं तो आलमंड ऑयल ले लीजिए, उसमें उसमें एलोवेरा जेल ऐड कर दीजिए और बढ़िया से उसको बराबर बराबर मात्रा में लेना है। ओके, और बढ़िया से उसको वेल मिक्स करके और फिर अपने डार्क सर्कल की जगह पे आप उसको अप्लाई कीजिए, फिर आप देखिए कि आपके डार्क सर्कल कैसे गायब हो जाते हैं, छूमंतर हो जाते हैं 1 महीने के अंदर अंदर ही। 1 महीना मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कोई भी चीज़ 4 दिन में फ़ायदा नहीं करती है गाइस, वो सब कहने की बातें होती है कि आप एक बार लगाओ तो जादू हो जाएगा, एक बार लगाओ तो फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये नेचुरल चीज़ें होती है और नेचुरल चीज़ धीरे धीरे फ़ायदा करती है, राइट। ये मैंने लगा लिया ना, बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं गाइस। तो आज के लिए तो बस इतना ही है, कल मैं फिर मिलती हूँ आपसे नए नॉलेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो ना, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, आप भी तो मेरे YouTube फैमिली का हिस्सा हैं और मैं चाहती हूँ ऑलवेज आप मेरे YouTube फैमिली का हिस्सा रहें। तो आज के लिए बस इतना ही है, जय सियाराम।